हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी समुदाय या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बता दें कि सरकार द्वारा जो है आप सभी समुदाय या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के संबंध में जो है एक अहम डिसीजन लिया गया है। फ्रेंड्स इसके साथ में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कुछ विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन में जो है 27% की वृद्धि कर दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स, इन्हें जो है रेगुलर यानी कि नियमितीकरण करने का भी जो है प्रयास किया जाना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये न्यूज़ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सरकार का बड़ा फैसला, अब आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन। तो आइए फ्रेंड्स, पूरा न्यूज़ जो है आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर आगे लिखा हुआ कि सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फिर आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के साथ बुधवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया, जिसमें संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सेवा नियमों पर एक महीने में निर्णय लेने की बात कही गई। सरकारी निर्णय से आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन पर नए नियम लागू हो सकते हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सुरेश कुमार रावत और गिरीश चंद्र मिश्रा कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्रा इस बैठक में सम्मिलित थे। इस बैठक में सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, सिंचपाल, सेट पर्यवेक्षक, जिलेदार, नलकूप टेक्नीशियन संवर्ग को एक महीने में अधिसूचना दे दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, फिर आगे लिखा हुआ है कि यह अभी कहा गया है कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट के वेतन विसंगतियों पर भी निर्णय लिया जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से उनके पद नाम बदले जाएंगे। भारत सरकार की तरह एलटीसी पर जाने पर 10 दिन का अवकाश नकदीकरण देने का भी निर्णय लिया गया है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे फिर लिखा हुआ है, इससे पहले श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर वी राजेंद्र ने पिछले सप्ताह बिहार के सभी विभागों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर श्रम कानून का पालन सुनिश्चित करने और सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने का आदेश किया था। फिर देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है पूरा ये न्यूज़ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किन किन कर्मचारियों के लिए क्या क्या न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया जाएगा। बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर कोटी वार अकुशल कर्मचारी जो भी हैं इन लोगों के लिए जो है 395 रुपये रोजाना, और अर्धकुशल कर्मचारी के लिए 411 रुपये रोजाना, और जो भी कुशल कर्मचारी हैं इनके लिए जो है 500 रुपये रोजाना, और अति कुशल कर्मचारियों के लिए 611 रुपये रोजाना, और जो भी लिपिकीय हैं इनके लिए जो है 11,317 रुपये मासिक वेतन जो है निर्धारित किया गया है। फिर आगे बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखकर श्रम कानून का पालन करने का आदेश दिया। उन्होंने जो है श्रम विभाग से कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ दुगना ओवर टाइम का भुगतान भी किया जाएगा। ये भी चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है। फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ जो है ये भी निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 27% वेतन वृद्धि का लाभ जल्द रेगुलर करने का भी जो है किया जा रहा है प्रयास। तो आइए फ्रेंड्स, पूरा न्यूज़ जो है ये भी पढ़कर आप लोगों को सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि का लाभ जल्द मिलेगा। उन्होंने जो है एनएचएम के कर्मचारियों को रेगुलर करने के संबंध में अफसरों से रिपोर्ट मांगी है। फिर आगे लिखा हुआ कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने महत्वपूर्ण ऐलान किया। उन्होंने जो है आश्वस्त किया कि संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन बढ़ाने हमारी सरकार जो है कृत संकल्पित है। उन्होंने नियमितीकरण के संबंध में कहा कि अन्य राज्यों का अध्ययन करवा कर इस पर फैसला लिया जाएगा। उनके द्वारा जो है संविदा कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री से आज छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ मिलने गया था। संघ ने अपने ज्ञापन भी सौंपे।
इस मौके पर जो है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने NHM के संविदा कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उन्हें जो है 27% वेतन वृद्धि का लाभ सुनिश्चित रूप से दिलाया जाएगा। साथ ही अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण का अध्ययन करने के निर्देश MD NHM को दिए। ज्ञातव्य है कि स्वास्थ्य मंत्री के निवास कार्यालय में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ की महिला पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान जो है उन्होंने अपना 18 सूत्रीय ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा। इस ज्ञापन पर जो है स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि 27% वेतन वृद्धि का लाभ प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को दिलाए जाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है पूरा न्यूज ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग जो है ये पूरा न्यूज देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारियों के लिए जो है सरकारों द्वारा एक बड़ा अहम डिसीजन लिया गया है कि जो भी संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं इनके लिए जो है न्यूनतम मानदेय लागू किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बताया गया है कि कुशल कर्मचारी, अर्ध कुशल कर्मचारी, अति कुशल कर्मचारी या कुशल कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है ये कितना रहने वाला है, ये पूरा लिस्ट जो है आप लोग स्क्रीन पर भी देख चुके हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ में जो भी छत्तीसगढ़ के लगभग 45,000 संविदा कर्मचारी हैं इन लोगों के मानदेय में जो है 27% की बढ़ोतरी भी की गई है और साथ ही साथ जो है इन्हें रेगुलर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।